सांस की डोर से मैंने बांधा है तुझे, करना चाहा बस लम्हा लम्हा तुझे, तूने चाहा अपनी मम्मा के लिए दुआ करो कि तुम्हारी मम्मा जल्दी ठीक हो जाए। मैं भी कहूँ माँ की याद कैसे आ गई तुम्हें, फोन भी किया तो बीवी के लिए। For God's sake, man, आप ये क्यों भूल जाती हैं? एन मेरी बीवी होने के साथ साथ आपकी बहू भी है। मैंने अर्श से इसी हफ्ते शादी करने का फैसला कर दिया। क्या मुझे तो सिर्फ मुस्कान की फिक्र है। जानती हो इस उम्र में बच्चों को अपनी माँ की जरूरत होती है, और मेरी मुस्कान को बार बार अपनी माँ से जुदा होना पड़ता है। लेकिन मुझे अब भी यकीन है, हौसला है कि हम ठीक हो जाए। लेकिन उस वक्त तक मैं मुस्कान को कैसे संभालूंगा? अरमा मैं कुछ भी कर लूं, मैं कुछ भी कर लूं, लेकिन मुस्कान के लिए मैं एक माँ की कमी पूरी नहीं कर सकता हूं। मैं जानती हूं माँ की कमी तो मैं भी पूरी नहीं कर सकती, लेकिन जितने दिन एन यहाँ पर है मुस्कान को किसी चीज की कमी नहीं होने दूंगी। मुझसे जो हो सकेगा मैं करूंगी। मैं माँ तो नहीं हूं, लेकिन एक बेटी होने के नाते माँ के प्यार को बहुत करीब से जानती हूं। मैं एक बात जानता हूं, तो मुझे इस बुरे वक्त में कभी तनहा नहीं छोड़। कभी नहीं, चलो एन इंतजार करिए। चलो। ए मुस्कान कहाँ आई है? नानू के घर आया बेबी मेरा। वाह बे मुस्कान आई नहीं है, मैं जरा इसके कपड़े बदल के आती हूँ। हाँ हाँ जाओ बेटा जाओ। वो ज़ियान बेटा मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है। जी भी जी बोलिए। भाई एन का फैसला तो तुमने सुनी लिया है, अब ऐसी कंडीशन में मैं उसको जहनी अजियत नहीं देना चाहती। शहरियार से मैं पहले ही बात कर चुकी हूँ, वो इस हफ्ते शादी करने को तैयार, तो मैं चाह रही हूँ कि उसकी शादी हो जाए, क्योंकि किसी वक्त कुछ भी हो सकता है। इस घर में वैसे ही मुसीबतों के इतने पहाड़ गिर चुके हैं, ये तो तुमको मालूम ही है। जी भी जी, मैं आपकी बात से मुत्तफिक हूँ। अर्श की शादी में ही एन की खुशी है। तो बेटा वक्त कम है और मुकाबला सख्त है, शादी के तमाम इंतजाम तुम्हें ही संभालने पड़ेंगे, क्योंकि तुम इस घर के दामाद। मुझे मालूम है कि एन के हॉस्पिटल होने की वजह से तुम पर जिम्मेदारी बहुत है, मगर करना तो पड़ेगा। अब देखो ना, जरियाब जिंदा होता तब भी वो तुम्हें ही जिम्मेदारी देता। आप फिक्र ना करें जी, सब इंतजाम हो जाए। बेटा मुझे तुमसे यही उम्मीद थी, जीते रहो। क्या बात है बोलो ना। बता दे। बैठे बोलो। तो जब मैंने पहले आपसे कहा था कि मेरी और आपकी शादी साथ हो जाए, तो आपने कहा फराज भाई नाराज है, और वो इस वक्त बिल्कुल भी नहीं मान सकते। अब तो वो नाराज नहीं है ना, तो क्यों ना मेरी और आपकी शादी एक साथ हो जाए। बोले ना। अब मैं शादी नहीं करना चाहती। अब मना करने की क्या वजह है?
क्योंकि मैंने मुस्कान की जिम्मेदारी ले ली और ज़ियान से वादा किया है कि मैं मुस्कान का पूरा ख्याल रखूंगी। तुम्हारी शादी के साथ अगर मेरी भी शादी हो गई और मैं अपने घर चली गई तो मुस्कान का ख्याल कौन रखेगा? हर कुर्बानी आपको ही क्यों देनी पड़ती है? बड़ी जो बड़ों के नसीब बड़े हों या ना, हौसले बड़े होने चाहिए। ज़ियान कैसे हो? बस ठीक हूँ। हॉस्पिटल में हो? जी नहीं, ऑफिस में। तो मेरी जान हॉस्पिटल में कौन है? फिलहाल तो एन अकेली है, अर्श और अरमाज के पास थी, लेकिन कल एन ने उन्हें घर भेज दिया ताकि वो थोड़ा आराम कर ले। अच्छा चले, ऐसा करती हूँ मैं चली जाती हूँ। जैसा आपको ठीक लगे। Okay. Hello, ज़ियान बात कर रहा हूँ। ज़ियान, एन कैसी है? एन भी ठीक है। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला उसे जल्द से सेहत दे। यार एक काम था तुमसे। हाँ बोलो। फिलहाल तुम्हारा एक दोस्त है जिसका हॉल है, मैरिज हॉल। एक्चुअली अर्श की शादी हो रही है तो मैं सोच रहा था कि तुम उससे अपने दोस्त से कह के हॉल बुक करवा दो। तो इसका मतलब है कि वाकई अर्श की शादी हो रही है? हाँ, एन की जिद है कि इसी हफ्ते हो, और बीजी की भी यही ख्वाहिश। चलो ठीक है, मैं करवा देता हूँ। अच्छा सुनो, खाने का इंतजाम ही करवा दूँ? नहीं नहीं, खाना नहीं। एक्चुअली मेरा एक दोस्त है, उसका केटरिंग का है, खाने का मैं उसको बोल दूंगा। बस तुम जरा हॉल का देख। ठीक है, डोंट वरी, हो जाएगा। थैंक यू सो मच फराज, आई टॉक टू यू लेटर। अल्लाह हाफिज। अंधेरे में क्या कर रही हैं? लाइट क्यों नहीं ऑन किया? बेटा मैंने सोचा लाइट चलाऊंगी तो एंड डिस्टर्ब हो जाएगी, सुन रही है ना, इसलिए लाइट नहीं ऑन। तो आप इतने घबराई हुई क्यों हैं? सब ठीक तो है ना? बेटा तुम्हारी बीवी के इस हाल में देखकर घबराऊं नहीं तो और क्या करूं? तुमने तो मुझ पर इल्जाम लगाया था ना, मेरी नियत पर शक किया था। अब तो तुम अपनी बीवी का खुद ख्याल रख रहे थे, खुद मेडिसिन दे रहे थे अपने हाथों से, तो अब ये सब कुछ क्यों? वक्त ने इंसाफ किया तो कितनी बेरहम दिली से। बेटा फिर सुना जा, अगर तुम अब भी नहीं समझोगे तो कभी नहीं समझोगे।
हेलो, क्या हाल है साली साहबा के? साली तो बिल्कुल ठीक है, जीजू कैसे हैं? हमें क्या होना है, हम तो ठीक ही हैं। कैसे याद किया मुझे? हाँ, शादी की मुबारकबाद जो देनी थी। अच्छा, तो ये बात है। मुबारक हो। थैंक यू, मगर मैं चाहती थी कि आपकी और अजी की शादी भी साथ साथ हो, फिर आप लोगों की नाराजगी बीच में आ गई। लेकिन अब तो नाराजगी नहीं है। यही तो मैं अजी को कह रही थी, मगर फिर वो जियान भाई से मुस्कान का ख्याल रखने का वादा कर चुकी। जब तक एन हॉस्पिटल में है, मुस्कान का ख्याल अजी ही रखेंगे। जिसने शादी नहीं करनी होती वो कई बहाने बना सकता है। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है फराज भाई। क्या बात है और क्या नहीं, मैं अच्छी तरह समझ। खैर, शादी में अगर किसी काम की जरूरत हो तो बिला झिझक मुझसे कह देना। ओके, अल्लाह हाफिज। ने इंसाफ किया तो कितनी बेरहम दिली से। बेटा भी समझ जाओ, अगर तुम अब भी नहीं समझोगे तो कभी नहीं समझोगे। मेरे होते हुए आप अपने आप को अकेला कैसे समझ सकते हैं? I'm sorry, मैं तुम्हें समझने की कोशिश नहीं की। ऐसी कोई बात नहीं है, शायद मैं ही आपको समझा ही नहीं सकी। मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही हो? कितना प्यार किया मैंने तुम्हें, क्या इस सबका यही सिला? क्यों, जवाब दो। जिसने शादी नहीं करनी होती वो कई बहाने बना सकता है। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है फराज भाई। क्या बात है और क्या नहीं, मैं अच्छी तरह समझता हूँ। खैर, शादी में अगर किसी काम की जरूरत हो तो बिला झिझक मुझसे कह देना। Thank you.
ये मेडिसिन देख रही हैं। बड़ी अजीब है ये मेडिसिन। कभी कभी असर करती है और कभी बेअसर हो जाती है। इसने मेरी बीवी को शिफा तो नहीं दी, लेकिन मेरी मां के साथ मेरे रिश्ते को साथ जरूर दिया है। इसने मेरे दिमाग में उन वसवसों को जन्म दिया है जो मुझे शक की उस दलदल में ले गए जहां मैं अपनी मां को भी अपना दुश्मन समझ बैठा। मैं जानता हूं कि मैं आपसे माफी मांगने नहीं आया, क्योंकि माफी तो गलतियों पर मांगी जाती, लेकिन मैंने जो आपके साथ किया है वो ज्यादती के अलावा और कुछ नहीं। मैं ये भी जानता हूं कि जो कुछ मैंने आपके साथ किया है उसके बाद आप मेरे साथ एक छत के नीचे नहीं रहना चाहेंगी, लेकिन मुझे कल भी आपकी जरूरत थी और आज भी आपकी जरूरत है। मैंने सोचा था जिंदगी भर तुम्हें माफ नहीं करूंगी। मैं चाहती हूँ कि अर्श की शादी भी बहुत धूमधाम से हो। मेरी तबीयत की वजह से कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। अब तुम देखना, सयान के दिलो दिमाग पर राज करूंगी मैं। मुझे घर से निकालकर सयान को पहले पहुंचना था मैंने। लेकिन मैंने किस चीज की फाइल मंगाई थी? ये किस चीज की फाइल है? भाई जहीर ने तुम्हें बताया तो था कि कंपनी में नया प्लांट लगाने लगे और उसमें तुम तीनों बहनों के साइन बहुत जरूरी हैं।